Hours after a farmer protest in Mathura turned violent, which left many injured, political parties in the states have condemned the episode, claiming that all this was happened under the nose of state government. देखिए मथुरा में जो गोकुल बैराज है उसमें किसान अपना मुआवजा मांग रहे थे और ये आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार इतनी निष्क्रिय है, नकारा है कि वो कई दिनों से चल रहे आंदोलन पर उसने ध्यान नहीं दिया, संवेदनहीन है। और जब समस्या छोटी से बड़ी हो जाती तब सरकार सक्रिय होती है, तो लाठी चली, गोली चली, एक दर्जन किसान घायल हुए, पुलिस के कई जवान घायल हुए, अधिकारी घायल हुए। इस पूरी हिंसात्मक वातावरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने किसी भी विषय को गंभीरता से न लेने की अपनी आदत डाल रखी है और परिणाम ये है कि वो किसानों का हमदर्द अपने को बताते हैं। इसके बावजूद किसानों के साथ जितना शोषण और अन्याय इस सरकार में हुआ है इससे पहले नहीं देखा गया। कुल बैराज पर मथुरा के किसान जो आंदोलनरत हैं, इनकी मांग निहायत जायज, और शासन प्रशासन का जो कदम है वो किसानों की हक तलफी का एक खुला नमूना है। आप सड़क बना रहे हैं या किसी विकास कार्य के लिए किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित कर रहे हैं और उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, क्यों भाई? कर ली होगी आपने बहुत पहले। इससे उनका वो क्लेम कानून के मुताबिक आज भी जीवित है और उन्हें जो मौजूदा कानून है उस रेट से मुआवजा हर हालत में मिलना चाहिए। प्रशासन की जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, दमनात्मक कार्रवाई है, इसकी राष्ट्रीय लोकदल घोर निंदा करता है और किसानों की मांग का भरपूर समर्थन करता है। Powered by NNIS.